क्यों नहीं आ रहे हैं? विजिबल है ब्लैक बोर्ड? मैम। यस मैम। यस शिवम, शिवम, शिवम सिंह राजपूत। यस मैम। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा? कैमरा नहीं ऑफ करना है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैम आपकी वॉइस में लाइट लाइट आ रही है मेरे को। मैंने पूछा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है ना? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, अपना माइक ऑन करो बेटा। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आप? कल आए थे? अच्छा मैम नो, बीच में लेफ्ट कर दी थी, हम जाना पड़ा था हम कहीं। परसों आए थे? पिछले परसों, आगे वाला परसों नहीं। आए थे? नो नो मैम, मैम। ओके, तो आपने बीच में लेफ्ट कर दिया था, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे ये तो बता दो। क्या पढ़ रहे थे बेटा कल हम? आप 18 को भी आए हो, आपने मुझे मना कर दिया। मैम मैं 18 को प्रेजेंट नहीं था। कैमरा नहीं ऑफ करना है शिवम, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी फिर आपको। मैं 5 डेज की एब्सेंट मार्क कर दूंगी, लाइन लगा दूंगी रेड कलर की। शर्म आती है? मैम ने सिंपल पूछा हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, सिंपल पूछा है आपसे कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, आप उसका भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। सोच लो कहाँ डिजर्व कर रहे हो आप। बात किससे कर रहे हो, बात किससे कर रहे हो आप? किसी से भी नहीं। आपको एटिकेट्स हैं, मैम बात कर रही है, वॉल की साइड बात कर रहे हो फिर आप? उधर खड़ी हूं मैं, ये भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। स्लैप योर फेस, स्लैप योर फेस, स्लैप योर फेस। शर्म आनी चाहिए, ये प्रेजेंस ऑफ आप क्लास में प्रेजेंट हो। यस तानिया 1943, कौन यस मैम। सा चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा मैम चैप्टर कर रहे हैं सिक्स, बेटा? मैम सिक्स। यस चैप्टर नंबर 6, दैट इज अ रेस्पिरेशन। जब चैप्टर का नहीं पता तो क्या पढ़ रहा होगा फिर? शिवम के दोस्त भी होंगे कई जैसे, जिनको भी नहीं पता होगा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। वंशिका अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो क्लास डेली आप? वंशिका यस मैम। क्लास क्यों नहीं डेली अटेंड करते हो आजकल आप? क्लास डेली क्यों नहीं, सिर्फ 7 तारीख के बाद जब आपका एग्जाम था उसके बाद आप प्रेजेंट क्लास में, क्यों ऐसा क्यों? नहीं मन कर रहा साइंस पढ़ने का? सेजल 3295, यस कैमरे को मैम। बेटा कैमरा प्रॉपर रखें और लाइट में बैठे। यस शिव मैम। ठाकुर कैमरा नहीं, अपना आपका शेक कर रहा है कैमरा ज्यादा ही, प्रॉपरली यस उसको मैम। फिक्स करो। शिव ठाकुर 2091, व्हाट यस मैम। इज एरोबिक रेस्पिरेशन? मैम इन एरोबिक रेस्पिरेशन मैम इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड। ओके वेरी गुड। एग्जाम अपनी नोटबुक दिखाइए, आप कहाँ लिखा है आपने, मैं डेली बताती हूँ ना।
यस मैम। मैम यहाँ पर राइट किया मैम, मैं अरोबिक का, मैम एनारोबिक का मैम, इसके नीचे एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लूकोज वाला। वेरी गुड वेरी गुड, श्री ठाकुर स्टार एंड गिविंग द स्टार, गुड बच्चे, थैंक यू मैम। वृति वृति डेली का नोट डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि इस बार मैं आपका एग्जाम्स जो है फाइनल तक बुक में ही डालूंगी, ऑब्जर्वेशन से नहीं डालने वाली हूँ, प्रैक्टिस से, इतना ध्यान रखना। यस नेक्स्ट, इसका नेम अनाउंस किया अभी मैंने, मैम वृति। यस वृति वृति, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन मैम? व्हाट इज एनारोबिक मैम? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट वेयर ऑर्गेनिज्म वेयर वन थिंग इज एब्सेंट लाइक ऑक्सीजन। बुक की तरफ साइड तिरछी नजरें मत चलाया कर, मुझे सब यहाँ से दिखता है, जो आप तिरछा होके देखते हो ना, आईज की जो मोशंस करते हो ना, मूवमेंट करते हो, वो थोड़ा संभाल के सामने से देख रही होती। यस, व्हाट इज एनारोबिक मैम? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन इन व्हिच वन थिंग इज एब्सेंट, लाइक इन एनारोबिक रेस्पिरेशन In anaerobic respiration, oxygen is absent. In anaerobic respiration, there is alcohol is present. क्या सुना दिया? क्या बोल गई? Anaerobic respiration क्या होती है? उसमें oxygen use होती है कि नहीं होती है? No ma'am, ma'am use होती है उसमें। उसमें कहाँ लिखा है? मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे एनारोबिक रेस्पिरेशंस में, लेस एनर्जी इज फॉर्म्ड, इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड, कहाँ लिखा? नोटबुक चेक करवा। और ऐड करो इसमें, और ऐड करो इसमें, लेस एनर्जी इज फॉर्म्ड, इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड, डिफरेंशिएट। आपका आज जो टेस्ट दिया है ना, होमवर्क दिया है, प्रॉपर नोटबुक में लिख के क्लिक करके मुझे सेंड करना है। ओके, माइक ऑफ करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड एंड मीन्स अब्सेंट, विजिबल अ ब्लैक बोर्ड? यस मैम। मैम यस मैम, ब्लर दिख रहा है? यस मैम, मैं पोजीशन चेंज कर। यस मैम, नो Now is clear? No ma'am, आपकी मैम ब्लैक आ रही है मैम, सो नॉट क्लियर मैम। क्लियर क्लियर, ओके। टॉपिक रेस्पिरेशन, आपकी वॉइस कट कट से आ रही है, अब क्लियर है? दिस इज नॉट ऑडिबल। यस मैम, ओके मैम, नाउ यू आर वॉइस, ओके ओके, थैंक यू। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हेन एन प्रीफिक्स, when an prefix is added to aerobic, then the sound of the word will change. So it comes, that is absent of oxygen or without of oxygen,
जब भी एरोबिक के साथ एंड प्रीफिक्स लगता है तो दैट इज अब्सेंट होगा. क्या अब्सेंट? या ऑक्सीजन अब्सेंट होगी. विदाउट ऑक्सीजन ऐसी रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, जहां पे आपकी ऑक्सीजन है ही नहीं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में ही क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, जब हैवी एक्सरसाइज करते हो आप, है ना, हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम हैवी ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जोर जोर से सांस कर लेना स्टार्ट करते करते ना हांफ जाते हैं. अब भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो हांफ जाते हो, हांफते हो कि नहीं हांफते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, yes, ma'am. कैसे करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके, क्योंकि वहां पे तब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो हो रहा है ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज. जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लूकोज जो है, आपका ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से आपको मसल क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, आपकी लेग्स पेन करना शुरू हो जाती हैं. अगर आप डंबलिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, डंबलिंग कर रहे हो, तो बाद में आपकी बाजू इतनी थक जाती है कि आपसे उठाई भी नहीं जाती है. होता है ऐसा कि नहीं होता है? और पेन होना स्टार्ट हो जाती है. यस मैम, कभी yes, ना, आपको नॉर्मली बता रही. ठीक है, तो वहां पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाती है. क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें से हर बार. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, द मसल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ओवरवर्क्ड. कब होती है, कहां पे होती है, अंडरलाइन करो. मसल सेल्स, द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या ऑफ आर बॉडी व्हेन ओवरवर्क, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन विल स्टार्ट. समझिए बात, समझे. जो मसल्स होते हैं ना, हमारे मसल्स कितनी हेल्प करते हैं हमें. आप अपनी बाजू उठा रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो मसल्स की मूवमेंट तो हो रही है ना. सिक्स क्लास में पढ़ा है टेंडन एंड लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा था, बोन्स के बारे में पढ़ा था, कैप्चरिंग द मूवमेंट्स के बारे में चैप्टर था, उसमें पढ़ा था कि मसल्स आप अपलिफ्ट कर रहे हो बाजू, ठीक है, या नीचे कर रहे हो, तो उसमें कौन वर्क कर रही है, आपकी मसल्स एंड बोन्स काम कर रही है. तो मसल्स में सेल तो होंगे ही, सेल्स से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरी ऑर्गेनिजम्स बनता है. ठीक है, तो मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाती है जब ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा वर्कआउट करती है, बहुत एक्सरसाइज कर लिया उसने, बहुत काम कर लिया, तो मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाती है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कहां स्टार्ट होती है? मसल सेल. पूछा जाता है कहां स्टार्ट होती है. ठीक है शिव ठाकुर, अंडरलाइन करना है. यस मैम. ओके, ऑल्दो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के बाद होगा मसल पेन, थोड़ा सा रेस्ट फॉर्म में चले जाओगे तो आपकी मसल्स फिर से वैसे हो जाती है. होता है कि नहीं होता है? अब हैवी एक्सरसाइज करके आते हो, थक जाते हो, मसल क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हो, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है ना. मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन हम मसल सेल्स में ओनली थोड़े समय के लिए होती है. ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा दिन पूरी रात उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होती रहेगी, आपसे तो चला नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा. When a human... जब हम हार्ड वर्क करते हैं तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटा. जब हम फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क ये नहीं कि जब तुम बहुत पढ़ रहे हो, फिजिकली हार्ड वर्क. ठीक है, जैसे आपको मम्मा ने बोल दिया है कि आज ये पूरी 200 ब्रिक्स जो है दूसरे साइड लगानी है 1 आवर में, उठा रहे हो, रख रहे हो, उठा रहे हो, रख रहे हो, तो आपकी मसल्स पेन होना शुरू हो जाएंगी, बाजू पेन करना शुरू कर देगी. शिव ठाकुर, यस मैम. हाँ,
तो दैट इज वाई फिजिकल हार्ड वर्क ओवर वर्क, ठीक है, ओवर वर्क जब करते हैं ना आप, अच्छा भागते हो कभी बाई चांस आप स्कूल के लिए लेट हो गए, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे और थक गए, ठीक है, किसने जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट कर देते हो, अब बोलते मैं तो थक गया और मेरी ना लेग्स में पेन होना स्टार्ट होगी, लेग्स के मसल्स में पेन होना स्टार्ट होगी है, मीन्स वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। व्हेन अ ह्यूमन, शिव ठाकुर ध्यान देना बातें नहीं करनी है, व्हेन अ ह्यूमन डज सम काइंड ऑफ हैवी एक्सरसाइज सच एज रनिंग साइकिलिंग वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, a lot of energy is required, और वो एनर्जी कहाँ से होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से मिलेगी हमें, this is turns, क्योंकि आपको पता है anaerobic respiration में less amount of energy जो होती है वो मिलती है, but aerobic respiration में ज्यादा amount of energy निकलती है, तो anaerobic respiration हो रही है means हमें energy नहीं मिल पा रही है, कम energy मिल रही है ना, this in turn leads to the requirement of oxygen to meet the energy demand, इसलिए हम जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को तब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, होता है आप भागते हो भागते हो भागते हो बहुत भागते हो बहुत रनिंग करते हो बहुत साइकिलिंग करते हो, होता है फटाफट फिर जोर जोर से सांस लेते हो, वंशिका होता है ऐसा, होता है ना, yes, क्यों मैम करते हो, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बोलती है कि मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम ज्यादा ऑक्सीजन लेने की ट्राई करते हैं, इसलिए हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। ओके, हाउएवर ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट एनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट, हैंस रेस्पिरेशन हैज टू टेक प्लेस इन द मसल सेल्स विद अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रही है, लेस एनर्जी मिल रही है, इसलिए हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है और हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इथाइल अल्कोहल बनना शुरू हो गया है, वहां पे ज्यादा एनर्जी की जगह इथाइल अल्कोहल बनना स्टार्ट हो गया है, इसलिए हमें पेन होना स्टार्ट हो गई है लेग्स में मसल सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, द टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी रिस्पायर एनारोबिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो ही जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, इन दिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड रिजल्ट्स इन क्रैम्प्स, अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे, ये पूरा पैराग्राफ को इन्वर्टेड कॉमर्स में या ब्रैकेट में लिख लेंगे। टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी रिस्पायर एनएरोबिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन दिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड रिजल्ट्स इन क्रैम्प्स, ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लीजिए। अभी देखो, हमने बोला एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल बन रहा है, बट शिव आप बात किससे कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ, पर किससे बात कर रहे हो मैम, मैं पूछ रहा था लैक्टिक, मैम लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, अभी आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप पहले पढ़ लो, जहां पढ़ रहे हो वहां पे पढ़ लो, फिर उसके बाद मेरे से बात करना, ठीक है, फिर क्लास अटेंड करना, रिमूव कर रही हूँ मैं आपको क्लास से, सॉरी मैम, अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, जब आपको मम्मा पढ़ाती है तो क्या आप मैम से बात करते हो, जब आपको मम्मा पढ़ाती है आप मैम से बात करते हो, यस और नो, नो मैम, सो व्हेन व्हाई आर यू डूइंग दिस एट दिस टाइम, मैं पढ़ा रही हूँ ना, अभी समझा रही हूँ ना, कैसे मजा नहीं आता पढ़ाने, सभी स्टूडेंट सुन ले, अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है नहीं समझ में आ रहा पूछो, अगर क्लास में फिर किसी और से ये करना है तो फिर क्लास लगाओ ही मत ना, बाद में पूछ सकते हो आप आफ्टर क्लास, मम्मा के साथ डिस्कस कर सकते हो, बट ड्यूरिंग द क्लास ऐसे ठीक नहीं लगता है,
ओके शिव. यस मैम. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा. ओके सो स्टूडेंट्स, मैं बोल रही थी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने अभी तक पढ़ा कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा इथाइल अल्कोहल में चेंज हो रहा है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है ना, ज्यादा एनर्जी नहीं बन रही, उसकी जगह इथाइल अल्कोहल बनना स्टार्ट हो गया है. बट इथाइल अल्कोहल कहाँ बनता है? आपकी आपकी जैसे फंगी है, ईस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया. बट ह्यूमन बींग में इथाइल अल्कोहल की जगह लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड. ठीक है, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी इसकी, ऑक्सीजन कम मिल रही है, ज्यादा नहीं मिल रही है, तो पूरी तरह ये पूरा फुली ब्रेक नहीं हो पाएगा. ओनली इसका पार्शियल पार्ट ही ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या जो हम खाना खा रहे हैं है ना, उसका पार्शियल पार्ट ही ब्रेक डाउन हो पाएगा और लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा. लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे मसल्स में और हमें मसल्स जो है पेन स्टार्ट या क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड. क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है. ओके, यू मे हैव नोटिस दैट आफ्टर हैवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, यू एक्सपीरियंस क्रैम्प्स. होता है, एक्सपीरियंस करते हो क्रैम्प्स जॉगिंग के टाइम, रनिंग के टाइम, हैवी एक्सरसाइज के टाइम. इन सच सिचुएशन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इज लो एंड देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन. हॉट वाटर बाथ, लिख लेंगे क्रैम्प्स को कैसे ठीक किया जाता है. हॉट वाटर बाथ, ठीक है, मसाजिंग द अफेक्टेड एरिया प्रोवाइड रिलीफ एज इट रिजल्ट इन इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन मीन्स मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल सेल्स, ठीक है, विच रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर. प्रत्युष का क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा है? ठीक है, तो ये थी आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. मैं एक बार फटाफट फिर से क्योंकि रिवाइज करते हैं स्टूडेंट. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. होता क्या है इसमें, जब हमारी बॉडी कुछ ज्यादा वर्कआउट कर लेती है, हैवी एक्सरसाइज कर लेती है, रनिंग कर लेती है, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे ग्लूकोज जो होता है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, नॉट कंप्लीट, पार्शियल. ठीक है, और पार्शियल मींस पूरे से थोड़ा थोड़ा ही इसका ब्रेक डाउन हो पाएगा. ठीक है, पूरा कंप्लीटली नहीं ब्रेक डाउन हो पाएगा ये, तो पूरा नहीं हो पाता है, सिर्फ थोड़ा ही ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो पाएगा, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा. लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा तो हमारी मसल्स क्रैम्प्स करना शुरू कर देंगे. फिर क्या होगा, इस क्रैम्प्स को कैसे हटाया जाए? इस लैक्टिक एसिड को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट किया जाए. जब इसको क्या करेंगे, जहां पे आपका अफेक्टेड एरिया है उसको मसाज करोगे, ठीक है, या फिर हॉट वाटर बाथ लोगे, गर्म पानी से सेक करते हैं ना हम, है ना, वैसे करते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड जहां पर डिपॉजिट हुआ होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन में नॉर्मल फुली ऑक्सीजन आना शुरू हो जाती है, हम थोड़े रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो जाती है हमारी बॉडी की, और फिर से लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन जो होती है पूरा कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन करती चलती है. सॉरी. तो इस तरह से क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. एक बार ये पैराग्राफ पढ़ के आ कल पूरा अच्छी तरह से. ठीक है दक्ष. ओके, हमने किया था टू ऑब्जर्व द रेस्पिरेशन इन ईस्ट, पढ़ा था हमने ईस्ट का. यस मैम. ये प्रैक्टिकल हमने, एंड इस सैटरडे को आपका फन एंड फियास्टा,
एक वो मॉड्यूल मैम आएंगे बताएंगे आपको, ठीक है। फन एंड फियास्टा होगा इस सैटरडे को आपका, इसमें आपका कोई अननोन टीचर आएगा, वो आपका प्रैक्टिकल लेगा। मे भी जो मैंने करवा दिए हैं उसमें से भी करवा सकते हैं, नहीं करवाए उसमें से भी करवा सकते हैं, बट आपको कॉपरेट करना है पूरी उनके साथ, ठीक है। Why do living organism need to respire? ये होमवर्क भी है, होमवर्क तो मैंने आपको सेंड कर दिया है, बट ये भी अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिख लेंगे, कल मैं सुनूंगी क्या होता है ये, क्या आंसर होगा, क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिस्पायर की नीड पड़ती है, ठीक है। रिस्पायर मैम, रिस्पायर मींस रेस्पिरेशन, यस। क्यों रिस्पायर करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं आज हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पूरा पढ़ेंगे ऑक्सीजन नाक से लेकर हमारे ब्लड तक, सेल्स तक, कहां तक वो ऑक्सीजन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से लेकर हमारे नोज से कैसे एक्सहेल होती है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा सिस्टम पढ़ेंगे इसमें कैसे क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ए से लेकर जी तक पूरा पढ़ेंगे अभी इसमें, हम सांस लेने से लेकर नोज से लेकर पूरी, जब ऑक्सीजन जब नोज से लेते हैं फिर कहाँ कहाँ तक जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन के बाहर आती है हमारे नोज से, कौन हेल्प करता है, ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा ये बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स पता चल गया सबको? Yes, कुछ नहीं हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ऑक्सीजन की हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ऑक्सीजन कम मिलेगी, कम मिलेगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा नहीं मिल पाएगी, है ना, तो क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। लैक्टिक एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड इट्स अ फॉर्म ऑफ दैट इज प्रेजेंट इन योर कर्ड, दूध से दही बनता है तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से बनता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड आपका इसमें प्रेजेंट होता है कर्ड, ठीक है। और टार्टरिक एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जब आप फुली पढ़ोगे एसिड एंड बेसिस के चैप्टर 9th क्लास में, तब आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कौन से एसिड किस में प्रेजेंट होता है। एसिड्स तो पता है ना क्या होते हैं, टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है ना, सॉर इन टेस्ट, yes, है ना। और दूसरी चीज जो वीक एसिड्स भी होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, वो कंप्लीट आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, ओके। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो सबसे पहले लिखते चलेंगे कि ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। टाइम कितना बचा, 33। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? नॉस्ट्रिल, फटाफट लिखते चलेंगे नोटबुक में, फिर मैं बताऊंगी। नॉस्ट्रिल, देन आपका आता है फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स के बाद आपका आता है ट्राकिया, देन ट्रेकिया के बाद आपका आता है ब्रोंकाई, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल में लिखना एन एन पी, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद आते हैं आपके लंग, ब्रोंकियोल्स भी बताऊंगी बाद में, बट ये पूरा आगे क्या लिखा है? हाँ बेटा, नॉस्ट्रिल, एन ओ एस टी आर आई एल, नॉस्ट्रिल, देन पेरिंग्स, पी एच ए आर वाई एन एक्स, पेरिंग्स,
देन ट्रैकिया टी आर ए सी एच ई ए देन ब्रोंकाई बी आर ओ एन सी एच आई देन लंग्स। ठीक है तो देखो फटाफट देखेंगे यहाँ पे सभी स्टेजल। हमारी ऑक्सीजन पहले नॉस्ट्रिल्स में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, फिर ब्रोंकाई में जाती है, देन फिर इट गोज टू लंग्स। ठीक है ये पाथ है, किसका पाथ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऑक्सीजन का पाथ है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। ठीक है रिवर्स कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स जाएगी इस तरह से लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह, लंग से ब्रोंकाई ट्राकिया फेरिंग्स नॉस्ट्रिल, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उससे ऑपोजिट चलती है, जो हम छोड़ते हैं सांस छोड़ते हैं। ठीक है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प इन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है तो ह्यूमन बीइंग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनके नेम बताए हैं मैंने। ठीक है द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल फेरिंग्स ट्राकिया ब्रोंकाई एंड लंग्स। इतना कर लो, इतना याद करके आना पहले, ये सारे ऑर्गन्स लर्न करके आना, ये पूरा पाथ लर्न करके आना, कल मैं इसके बारे में पूछूंगी, फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन पाथवे कैसे चलता है, ऑक्सीजन हमारी कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, कौन कौन से ऑर्गन के अंदर जाती है। ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड पे बैक होके कैसे आती है, तो कल ये पढ़ना है। तो बस आज आप ये अपनी नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना अच्छे से, पहले कल सुनूंगी मैं, फिर कल हम करेंगे ट्रेसिंग द ऑक्सीजन पाथवे। ठीक है कि ऑक्सीजन कैसे चलती है, जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन जाती है। यहां तक आज जो मैंने पढ़ाया किसी को ना समझ आया वो बताओ बस। जिसको ना समझ आया हो दिव्यांश तू कैमरा ऑफ करके बैठता है, तेरा आना नहीं आना एक ही बराबर होता बेटा, क्लास प्रॉपर लगा लिया कर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम क्रैम्प्स क्या होते हैं? क्रैम्प्स क्रैम्प्स अच्छा क्रैम्प्स क्या होते हैं आप? अच्छा ठीक है आज पता क्या करना, आप वॉक करना 10 times सड़क से लेकर घर तक, जो आपका रोड है ना मेन रोड जो है, चलना आप बहुत चलना, फिर रात को फील होंगे आपको क्रैम्प्स क्या होते हैं। ठीक है जबकि लेग्स है ना क्या बोलते हैं उनके अपर पार्ट ऑफ लेग्स थाइस के नी के नीचे वाले, तो वहां पे मुझे नेम नहीं याद आ रहा उसका क्या बोलते हैं, पेन होना स्टार्ट हो जाती है, चला नहीं जाता है हमसे, है ना, पार्ट की मसल्स हो जाते हैं, दैट इज योर क्रैम्प्स। ओके तो यहां तक और किसी को ह्यूमन बीइंग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है समझ के है ना, वहां पे थायरल कोहल नहीं लिखना है, थायरल कोहल आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनता है लाइक योर ईस्ट लाइक योर फंगी। ठीक है बट ह्यूमन बीइंग लैक्टिक एसिड इज फॉर्म सो दैट्स व्हाई वी फील क्रैम्प्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइजेस। ओके तो अभी देखेंगे 1 minute बची है फटाफट पेज उसका नेक्स्ट पेज ट्रेसिंग विद ऑक्सीजन पाथवे, देखो कितना अच्छा दिया हुआ है ट्रेसिंग विद ऑक्सीजन अपने बुक में देखेंगे सभी। नेजल नेजल क्या होता है? नाक को बोलते हैं हम। नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्स क्या होती हैं? आपके नाक के जो होल्स दिख रहे हैं दैट्स योर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है इसको हम नॉस्ट्रिल्स को नेजल कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी किसको बोलती है? एम्प्टी स्पेसेस को।
जो खाली सी जगह होती है उसको हम कैविटी बोलते हैं, है ना। कैविटी उसी को बोला जाता है ना जो खाली स्पेस होता है ना। तो जो आपके नाक के अंदर कितना स्पेस होता है ना, दैट इज योर नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी आपको पता है क्या होती है, टंग और टीथ के अंदर जो स्पेस होता है, टीथ के अंदर नहीं, टंग एंड टीथ, मुंह पे जब आ करते हो तो खाली स्पेस दिखता है, दैट इज योर होल खाली जगह, दैट इज योर ऑरल कैविटी। ठीक है, फिर आपका आता है फेरिंग्स। ठीक है, जिसको हम फेरिंग्स के बाद ब्लिंक पाइप जो होती है आपकी, उसको हम बोलते हैं ट्राकिया। ठीक है, द नेजल कैविटी, ठीक है, ट्राकिया बोलते हैं विंड पाइप को, जहां से हवा जाती है। कभी कभी हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप में चला जाए तो हमें कितनी जोरों से कफिंग होती है, होती है ना कफिंग में, तो ट्राकिया में अगर वो खाने के पार्टिकल्स चले जाते हैं तब हम हार्ड कफ करते हैं, हार्डली कफिंग करते हैं। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि हमारे ट्राकिया, हमारे विंड पाइप में वो फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं। ठीक है, फिर देन अच्छा फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहाँ की आपकी आवाज बनती है, वोकल कोड। वॉइस बॉक्स एक डिबिया की तरह होता है जिसमें मसल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और हमारी आवाज निकलती है। लेरिंग्स, एल से लैंग्वेज याद रखना, तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं लेरिंग्स को। ट्राकिया इज द विंड पाइप एंड फूड पाइप इज इसोफेगस। नेक्स्ट इज द वन विंड पाइप के बाद हमारा आता है ट्राकिया के बाद, देखो हमारे ब्रोंकाइज आए हैं, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई एक लंबी सी पाइप सी जा रही है, येलो कलर की बुक में देखेंगे, दैट इज योर ब्रोंकाई। फिर छोटी छोटी डिविजन हो गई हैं आगे, दैट इज योर ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो लंग्स के अंदर होते हैं और उसमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये डायग्राम अच्छे से दो तीन बार रीड करके आना तब आपको समझ में आएगा, पार्ट्स के नेम लर्न करके आना तब आपको पता चलेगा ऑक्सीजन कैसे कैसे चलती है, पहले नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर ट्राकिया में जाती है, फिर ब्रोंकाई में जाती है, फिर लंग्स में जाती है। लंग्स में ब्रोंकियोल्स के एंड में इस तरह के, ब्रोंकियोल्स के एंड में इस तरह से छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर शेप एयर सैक होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन आके या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आके रहती है।